माध्यम से यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार हमेशा बातचीत करती है और हमें लारा दे देती है। हमारे बीच में महिलाओं का महकमा है, कुछ बिट्टो भी हैं, कुछ गरीब परिवार से महिलाएं हैं, हमारे बीच में मिनी आंगनवाड़ी भी है, क्रैच वर्कर्स भी हैं, जिनको क्रैच वर्कर्स को इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और इन्होंने आंदोलन करके अपने आप को लड़ाई लड़ के अपने आंगनवाड़ी में इन्होंने पद प्राप्त किया। पर दुर्भाग्य की बात है कि इनको हमारे साथ हैं क्रैच वर्कर्स भी खड़ी हैं, इनको ना तो बच्चों को राशन सप्लाई किया जा रहा है और ना ही इनको सैलरी दी जा रही है। तो हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी में जो भी जितने भी सेंटर हैं समय पर राशन पहुंचाया जाए, और जो सरकार हमारे को अनदेखा कर रही है, हर बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, बुलाती है और टेबल टॉक ठीक से नहीं हो पाता है, लारा दिया जाता है। तो अपील यही करते हैं कि समय रहते 8 तारीख से पहले बातचीत की जाए, नहीं तो 8 तारीख को तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, क्रच वर्कर, मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर, तमाम सभी बहनें और SNG की बहनें और जनवादी महिला समिति सभी 8 तारीख को हम लोग करनाल में पहुंचेंगे और वहां पे जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। आगे की अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार की वोट पे चोट करेगी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील और सभी तमाम जितने की बहनें।